सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू दादा भाई टेक चैनल। सबसे पहले पोको एक्स फोर की तरफ से पोको एक्स फोर और पोको एक्स फोर एनएस मतलब इंडिया में देखने को मिलेंगे, जो रेडमी नोट 11 सीरीज जो चाइना में लॉन्च हुआ वही रीब्रांड होकर पोको एक्स फोर देखने को मिल सकते हैं। ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है जो ग्लोबली लॉन्च होंगे पोको एक्स फोर, पोको एक्स फोर एनएस भी, पोको एक्स फोर प्रो और पोको एक्स फोर जीटीएस सारे फोन पोको की तरफ से देखने को मिलेंगे ऐसे कुछ ऑफर की तरफ से। मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला से कंफर्म कर दी उनके नया फोन देखने को मिलेंगे, इसमें सैमसंग का 200 मेगापिक्सल सेंसर कैमरा सेंसर वो देखने को मिलेगा ऐसे कुछ होगा। सोमी के बाद दूसरा जो फोन आएगा वो मोटो की तरफ से ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल सकता है। ऑफर न्यूज आ रही है और साथ ही न्यूज आ रही है मोटो का G51 जो 5G वाला फोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 480 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिला है, वो भी बहुत जल्दी आपको लॉन्च होगा, वो भी अंडर 20,000 के बीच में देखने को मिलेगा ऐसे कुछ ऑफर न्यूज आ रही है। मोटो की तरफ मैक्रोमैक्स तरफ से मैक्रोमैक्स ने भी कंफर्म कर दिया कि उनका नया फोन देखने को मिलेगा, जो भी मतलब नेक्स्ट मंथ मतलब इसी दिसंबर महीने में आपको मैक्रोमैक्स का नया फोन देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 5G वेरिएंट वाला फोन हो सकता है, देखते किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है, क्या नया फीचर के साथ और कौन सा नया प्रोसेसर लाते हैं मैक्रोमैक्स और क्या नया डिजाइन देखने को मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आपको दिसंबर महीने देखने को मिल जाएगा ऐसी कुछ ऑफर न्यूज आ रही है मैक्रोमैक्स की तरफ से। Xiaomi की तरफ से Xiaomi के 11T, 11T Pro और Redmi 10 2022 एडिशन वाला फोन, ये सभी फोन इंडिया में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे इसी साल में देखने को मिलेंगे सारे फोन Xiaomi Xiaomi 11T, 11T Pro और Redmi 10 2022 एडिशन, ये सभी फोन जो आपको इसी साल देखने को मिलेंगे ऐसे कुछ ऑफर न्यूज़ Xiaomi की तरफ से। जारी वारी रेनो की तरफ से ओप्पो रेनो 7 जो सीरीज है वह चाइना में लॉन्च हो चुका है, उनके भी प्राइस कुछ स्पेसिफिकली लिख चुके हैं। ओप्पो रेनो 7 जो प्रो उसमें आपको मिले डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर देखने को मिले, उसकी उस प्राइस 3699 yuan देखने को मिले, जो मतलब इंडियन प्राइस में इसको कन्वर्ट करें 38,000 के रेंज में देखने को मिलेगा। इसका बेस वेरियंट वाला फोन है और जो ओप्पो रेनो 7 जो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 वाला प्रोसेसर देखने को मिले, इसका कुछ प्राइस बेस वेरियंट वाला कुछ 30,000 के रेंज में देखने को मिलेगा ऐसी कुछ ऑफर न्यूज जारी है ओप्पो रेनो 7 की तरफ से। ओप्पो रेनो 7 जो एसी एडिशन वाला जो फोन है जिसमें आपको मिलेगा एकदम डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, उसकी प्राइस जो कन्वर्ट किया जाए कुछ 23,000 के रेंज में देखने को मिलेगी। इस बेस वेरियंट वाला फोन है जो सभी प्राइस रेंज के साथ ओप्पो रेनो 7 जो चाइना में लॉन्च हो गया, बहुत आपको इंडिया में देखने को मिलेगा ऐसी कुछ ऑफर न्यूज जारी है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 की तरफ से उसका जो अंतिम स्कोर निकला है वो भी 1 मिलियन मार्क कर दिया, और जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 था उसने भी अंतिम स्कोर 1 मिलियन क्रॉस कर दिया। थैंक्स का अपना।